आए बिल्कुल स्नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसकी रेसिपी। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म होने को रख दी है, इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल अपने हिसाब से अब डालिए। इस तरह से हमने तेल डाल दिया है। इसी के साथ हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जीरा डाल देना है। थोड़ा सा जीरा भून हो गया, हमारा जीरा ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ है, जीरा हो गया है। अब हमने प्याज डाल देना है और इसे ब्राउन होने तक भून लेना है। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होके भून के रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हमने क्या करना है, लहसुन अदरक की पेस्ट है जो हमने 1.5 चम्मच भर के रखी है वो डाल देनी है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो आप अदरक मिर्ची की पेस्ट भी डाल सकते हो उसकी जगह पे। और इसी के साथ हमने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, काश्मीरी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, इन सबको डाल देना है इसमें। और क्या करना है, हमने 5 मिनट तक इसे खूब भून लेना है अच्छी तरह। हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया भून के हो गया है, आप देख सकते हैं इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने आलू गोभी दोनों को अच्छी तरह धो के फिर काट के रखा है। अब इसे हम इसमें छोड़ देते हैं, इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसे। आइए हम चेक करते हैं। हमारी आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो गई, एकदम बढ़िया। आलू भी गल गए हैं और फूल गोभी भी गल चुकी है, आप इस तरह देख सकते हैं, देखिए बड़े आराम से टूट गया है। अब हम गैस को बंद करके इस पर धनिया पत्ती डाल के इसके सर्विंग की तैयारी करते हैं। देखिए हमारी गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी तैयार है, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, एकदम हेल्दी। आप ये सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो एक और हेल्दी रेसिपी में आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।